शिक्षक सुरक्षा कानून की मांग को लेकर शिक्षक संघर्ष कमेटी बोहाना ने मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि पिछले कुछ सालों से शिक्षकों के खिलाफ अनावश्यक रूप से भड़काकर या अभिभावकों को गुमराह कर मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं, जिससे शिक्षकों को मानसिक व आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि शिक्षक सुरक्षा कानून बनाया जाए। इसी के साथ शिक्षक अभिभावक के आपसी मामले के लिए शिक्षा विभाग द्वारा ब्लॉक स्तर पर एक कमेटी का गठन भी हो। ज्ञापन देने वालों में शिक्षक संघ शेखावत के कंवर सिंह, मेहरचंद शारीरिक शिक्षक संघ सूरजबान बालोठिया, शिक्षक संघ सियाराम के सुदेश यादव, मनोज कुमार, अरविंद मान, अजय मान, संजय नरेंद्र, प्रदीप शर्मा, राम निवास, राजेश जांगिड समेत काफी संख्या में शिक्षक संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज सारे शिक्षक संघ एकत्रित होकर के एक जजम पर आकर के और महासंघ बना करके सभी शिक्षकों ने एक एक जो है एक राय होकर के और ये मांग रखी है। और मांग नहीं, ये हमारा मतलब अधिकार भी है कि क्या मांग रखी है, शिक्षक का सुरक्षा का कानून बनना चाहिए और शिक्षकों का मान सम्मान बरकरार रहना चाहिए। जो भी मुकदमे दर्ज होते हैं उनमें बहुत सा जो है झूठे होते हैं, उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पंचायत समिति बोहाना के शिक्षक संघर्ष समिति की आज मीटिंग का एक आयोजन किया गया और जिस मीटिंग में निर्णय लेकर के और माननीय मुख्यमंत्री के नाम से उपखंड अधिकारी बोहाना को ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें शिक्षकों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है उसके लिए कमेटी बनाई जाए। इसलिए CM से निवेदन किया गया है कि प्रत्येक गांव में कमेटी वो जांच करे और आरोप का जो उचित न्याय प्रदान करे, इसके लिए कमेटी का गठन किया जाए। ये मांग क्यों की गई है? ये इसलिए की गई है कि राजनीति से प्रेरित होकर के और जगह जगह स्कूलों में जो है अभिभावकों को भड़का करके और शिक्षकों के ऊपर मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं, उनको मानसिक पीड़ा होती है, उनको प्रताड़ित किया।